आज के वीर नवजीवन कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के एक तरह से प्रेरणा स्रोत हम सबके वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यसभा सदस्य माननीय धर्मानंद शर्मा जी, इस मंच पर ही मौजूद माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास संधानी जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी, इस अवसर पर सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री विजय अग्रवाल जी और इस आयोजन की पूरे एक तरह से सूत्रधार इस नाते से जिनकी संकल्पना है, बच्ची तो प्रयत्न की है लेकिन नवाचार इतना अच्छा है। भोपाल अपने आप में झीलों की नगरी, प्राकृतिक सौंदर्य का और खास करके बरसात के मौसम में तो ऐसा लगता है कि परमात्मा ने विशेष कृपा की। भोपाल को जिस कोने से देखो और देखते ही रह जाएगा, ऐसा लगता है कि ये हमारा अपना भोपाल, परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लग जाए। इतनी राजधानियां हैं लेकिन इन सारी राजधानियों जो भोपाल एक बार आके रहता है तो यही का होकर रह जाता और जो देखता है वो देखता रह जाता। ताल, तलैया, झील और 1000 साल पहले का भी बड़ा तालाब और तालाब भी ऐसा तालाब जिसके लिए आज भी आधुनिक समय में बांध निर्माण के लिए वो सर्वोत्तम उदाहरण है। इतना बड़ा तालाब या बांध लेकिन न्यूनतम लागत में ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो आज भी ये हमारे सबके लिए आदर्श रूप में। और मैं बच्ची एसना के लिए जोरदार अभिनंदन करें अपनी तरफ से, जिसके मन में कल्पना आई कि ये हमारा तालाब का पानी या झील का पानी इसको साफ करना चाहिए। ये नई टेक्नोलॉजी भी है, यद्यपि ये टेक्नोलॉजी ऐसी जिसमें खर्च की दृष्टि से आमतौर पर पानी को फिल्टर करने के बहुत अलग अलग प्रकार, लेकिन ये प्रकृति की परमात्मा के हाथ के माध्यम से ही साफ होगा, जिसमें पौधे लगा करके ये हमारी अपनी एक अलग प्रकार की विधा है। यद्यपि इस विधा के कई अच्छे रिजल्ट, जिसमें पौधों को लगने से पौधे अपने आप पानी को शुद्ध करेंगे, बैक्टीरिया के माध्यम से कई जीव जल जीवों को भोजन भी देंगे और ये अपने आप ही एक चक्र बनाएंगे, जिस चक्र के माध्यम से जैसे हमारे अपने शरीर के अंदर के रक्त को सुधारने के लिए कोई हमारा हार्ट पंपिंग करता है और अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में बदलता, ऐसे ये पानी के लिए एक तरह से ये साइकिल चलेगी जिसमें पानी अपने आप शुद्ध होगा और अशुद्धियों का स्वतः ही पौधों के माध्यम से जल जीव की रचना के माध्यम से अलग अलग कारणों से, ऐसे में इसकी अत्यंत आवश्यकता थी। और लागत लागत के हिसाब से दिमाग में नहीं लगाना, लेकिन लागत के बजाय काम बहुत बड़ा है। इतने बड़े काम को इसकी तुलना में केवल ये टेक्नोलॉजी बहुत काम की है। जोरदार अभिनंदन करें इस टेक्नोलॉजी के साथ नवाचार के माध्यम से। अपने बलबूते पर कामी मंदिर के पास का पानी अगर शुद्ध होता है, ये हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा है। काल के प्रभाव में और बदलाव आएगा कि हमको जल का उपभोग करने की तो आदत पड़ी है, लेकिन हमारे जल को उपभोग करने के बाद उसका जो स्वरूप बनता है, उस स्वरूप की जो विकृति है, उस विकृति को दूर करने का ये नवाचार भी है। मेरी अपनी ओर से खासकर मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद भी आपका कलम जारी रहेगा और भी हिस्सों में, जहाँ नगर निगम के भी महापौर बैठी है, प्रशासन के मुखियाओं के नाते से मैं खुद हूँ, लेकिन यहाँ माननीय सांसद विधायक भी है, हमारे उज्जैन में भी कालिदास अकादमी के कैंपस में इसी प्रकार का एक छोटा तालाब है जहाँ लोग अपने उपयोग का गंदा पानी निकालते हैं, तो वहाँ उन्हें नाले के ऊपर वो वनस्पति लगाई, ये यहाँ तो फ्लोटिंग भी लगाई है और ये जो ऑक्सीजन उत्सर्जन के लिए आपके फव्वारे भी कई बार हमारी आंखों को भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उससे बड़ा काम ये करते हैं कि लगातार पानी को बदलते हुए अपने माध्यम से ऑक्सीजन पानी में डालने का काम करते हैं। ये पूरा प्रयोग बहुत अनूठा है। एक बार मेरी अपनी ओर से इस प्रयोग के लिए पुनः एसना को बधाई। परमात्मा करे आपकी ये कल्पना की उड़ान जो साकार रूप लेते दिखाई दे रही है और भी आगे सफल करे और आप इस दिशा में और निरंतर उन्नति करते रहे। पुनः सबको बधाई, बहुत बहुत।